दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना ने खोले पत्ते, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का करेगी समर्थन। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी के सांसदों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का फैसला किया है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है, इसका आधिकारिक ऐलान बाकी है। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव रणनीति तय करने के लिए एनडीए ने बड़ी बैठक बुलाई है। मीटिंग में सिंधे गुट को भी न्योता मिला है। बैठक दिल्ली में होगी। सिंधे गुट के नेता दीपक केसरकर इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 18 लोकसभा सदस्यों में से 13 ने राष्ट्रपति चुनाव पर एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। ज्यादातर सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का सुझाव दिया। ये जानकारी शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर ने दी है। आपको बता दें कि कीर्तिकर ने कहा कि ज्यादातर सांसदों की राय है कि पार्टी को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे। आपको बता दें कि अब शिवसेना ने भी फैसला किया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा ऐलान। बोले, जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है। यह आपको बता दें कि जनसंख्या विस्फोट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि किसी एक मजहब को जनसंख्या विस्फोट से जोड़ना ठीक नहीं है। बढ़ती आबादी पूरे देश की समस्या है। हालांकि इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या की गति या किसी समुदाय का प्रतिशत ज्यादा हो और हम मूल निवासियों की आबादी को स्थिर करने के लिए जागरूकता के माध्यम से काम कर रहे हों। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। अगली बड़ी खबर, अब जनसंख्या कानून को लेकर बरस पड़े सपा सांसद शफीकुर रहमान बरका अब सरकार को दे डाली नसीहत। ये आपको बता दें कि संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बरका जनसंख्या को लेकर बरस पड़े हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदा उठाने की मंशा से भाजपा जनसंख्या का मुद्दा उछाल रही है। सपा सांसद ने जनसंख्या कानून के बजाय तालीम और रोजगार के लिए काम करने की सरकार को नसीहत दी है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बरका ने कहा कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं बल्कि इसका ताल्लुक अल्लाह ताला से है। अल्लाह जो बच्चा पैदा करता है उसका रिजक उसके साथ भेजता है। सरकार को यह कानून लाने के बजाय तालीम पर जोर देना चाहिए और हर छोटे बड़े इंसान के लिए सरकार को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हर किसी को तालीम मिल जाएगी तो जनसंख्या का मुद्दा खुद ही हल हो जाएगा। बर्क ने इस कानून के पीछे 2024 के चुनाव में भाजपा द्वारा राजनीतिक फायदा लेने की मंशा बताई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि देश भर में बेरोजगारी और गुर्बत छाई हुई है और 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, इसलिए वोट लेने के लिए भाजपा लोगों के नजरिए को बदलना चाहती है। ये इंसानी मामला है लेकिन हर चीज को इस एंगल से नहीं देखना चाहिए। अगली बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अड़ी बीजेपी, जेडीयू बोली इसके होंगे खतरनाक परिणाम। ये आपको बता दें कि बिहार समेत पूरे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए बार बार ये मांग उठ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। यही कारण है कि बीजेपी के नेता आए दिन मांग को मजबूती से उठा रहे हैं। विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कड़े कानून बनाने की की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और इसकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाना चाहिए। आपको बता दें कि बढ़ती हुई जनसंख्या का असर बिहार के सीमांचल इलाके में साफ देखा जा रहा है। यही कारण है कि लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम होते जा रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री और बीजेपी के नेता नीरज बबलू ने कहा कि सरकार की विकास की गति से तेज जनसंख्या की गति है, इसलिए लोग बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। इसलिए सरकार को तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की पहल करनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग मजबूती से उठा रहे हैं, लेकिन सहयोगी जेडीयू कड़े कानून बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। जेडीयू का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो प्रयास किए हैं वो काबिले तारीफ है और देश के कई राज्य इसका अनुसरण भी कर रहे हैं। जेडीयू के मुख्य
प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि चीन और ब्राजील जैसे देशों ने कड़ी कानून की बदौलत जनसंख्या नियंत्रण करने की खतरनाक कोशिश की थी, उसका दुष्परिणाम यह आया कि उन्हें भी अपनी नीति में बदलाव कर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना चलानी पड़ी। आपको बता दें कि फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार मांग की जा रही है। अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लगभग फाइनल, लेकिन आधिकारिक घोषणा बाकी। यह आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों का नाम सामने आना बाकी है। हालांकि खबर है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। फिलहाल पार्टी की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है, जबकि विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। अटकलें हैं कि अगर नकवी मैदान में उतरते हैं तो विपक्ष के पास भी उनका समर्थन करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। एक भाजपा नेता के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री या उप राज्यसभा में उपनेता के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी ने हमेशा राजनीतिक परिपक्वता, निष्पक्षता और ईमानदारी दिखाई है। खास बात है कि नकवी के बाद केंद्र में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। भाजपा के सांसदों में भी मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं है। वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत में नकवी ने अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर तीन और नाम सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सुरेश प्रभु, हरदीप पुरी और SS अहलूवालिया भी दौड़ में शामिल हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्तार अब्बास नकवी का नाम फाइनल होगा। अगली बड़ी खबर, RJD के बड़े नेता पर जमकर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा लालू यादव के चापलूसों को पार्टी से निकालें बाहर। ये आपको बता दें कि RJD सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी RJD के एक बड़े नेता पर आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने उनको चापलूस बताते हुए जल्द पार्टी से बाहर निकालने का फरमान जारी कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने इशारों में उस बड़े नेता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप यादव अभी दिल्ली में अपने पिता लालू यादव के इलाज और सेवा में लगे हुए हैं, मगर बिहार से दूर रहते हुए भी वो पार्टी के कुछ नेताओं से इस कदर नाराज हो गए हैं कि वो उनको RJD से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि पापा को परिवार और बिहार की जनता की जरूरत है, ना कि चापलूसों की। कुछ बाहर वाले लोग खुद को मुंह मियां मिट्ठू बता रहे हैं, भोला भाला बनकर पिताजी की सेवा का दिखावा कर रहे हैं। ऐसे कपटी और पाखंडी को जल्द बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तेज प्रताप यादव की को बयां करने वाले इस ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि वो बड़ा नेता कौन है जिसे तेज प्रताप यादव भोला भाला और चापलूस बताते हुए लालू यादव की सेवा करने का ढोंग करने वाला बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी के लिए यूपी से आ गई बड़ी बुरी खबर, प्रयागराज में AIMIM नेता आज देंगे सामूहिक इस्तीफा। ये आपको बता दें कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के लिए यूपी के प्रयागराज से बुरी खबर है। वहां पर जिला और महानगर कमेटी ने आज सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अटाला प्रकरण में AIMIM के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के आरोपी बनने के बाद प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पार्टी पदाधिकारियों की खामोशी के खिलाफ ये ऐलान हुआ है। पार्टी के जिला मुख्य महासचिव फैजल वारसी ने आरोप लगाया है कि पार्टी के पूर्वांचल और प्रदेश स्तर के नेताओं से कई बार इस मामले में आवाज उठाने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वारसी का दावा है कि अटाला प्रकरण में जिलाध्यक्ष शाह आलम पूरे तरीके से निर्दोष हैं। उन्हें बेवजह इस मामले में आरोपी बनाया गया है, उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। वारसी के मुताबिक शाह आलम हमेशा से शांति और सौहार्द के लिए लोगों से अपील करते आए हैं। प्रयागराज जिलाध्यक्ष को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की चुप्पी के खिलाफ पदाधिकारियों में आक्रोश है। इसी क्रम में जिला और महानगर के पदाधिकारियों ने आज सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किए जाने पर जमकर भड़के AIMIM के सांसद, कहा नाम बदलने में लग जाएंगे 1,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किए जाने का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने इस फैसले
फैसले पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर एक शहर का नाम बदला जाता है तो उसके लिए भारी मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है। इम्तियाज जलील ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप एक छोटे शहर का नाम बदलना चाहते हैं तो लगभग 500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। दिल्ली के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि औरंगाबाद जैसे शहर के लिए 1000 करोड़ रुपए तक की आवश्यकता हो सकती है। ये सिर्फ सरकारी दस्तावेजों और पत्राचार को बदलने के लिए है। ये टैक्स का पैसा है जो आपका और मेरा है। AIMIM के सांसद ने कहा कि अगर मेरे पास एक दुकान है और मैं उसे बदलना चाहता हूँ तो नया आधार कार्ड बनवाना होगा, इसके लिए आपको लाइन में लगना होगा। उद्धव ठाकरे व शरद पवार जैसे नेता आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। इससे पहले भी AIMIM के सांसद औरंगाबाद का नाम बदले जाने को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार की आलोचना कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर देश की मिट्टी से जुड़ने की भावनात्मक पहल है हर घर तिरंगा योजना। पीएम मोदी करेंगे अभियान की शुरुआत। आपको बता दें कि हर एक देशवासी के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और राष्ट्राभिमान पैदा हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव साल में पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। ये अभियान 11 से लेकर 17 अगस्त तक पूरे देश में चलेगा। आगामी 15 अगस्त को देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की 2 दिवसीय भाजपा की कार्यकारिणी में भी तिरंगा यात्रा का जिक्र किया था और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी अपील की थी कि वो लोगों को जागरूक करें और इस अभियान को सफल बनाएं। केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। संस्कृति विभाग के अधिकारियों का मानना है कि ये अभियान तिरंगे की आन बान शान को समर्पित है। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए हर एक व्यक्ति को अपने जज्बे को जाहिर करने का मौका मिलेगा। सरकार का मानना है कि तिरंगे के साथ में आम आदमी का कोई सीधा या व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं रहता है, यह हमेशा ही संस्थागत या फिर औपचारिक ही रहता है। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों में तो लोग तिरंगे के साथ में जुड़े रहते हैं, मगर आम आदमी को यह मौका बहुत कम मिल पाता है। 130 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति को जागरूक कर पाना मुश्किल कार्य है, इसलिए सरकार इसमें स्वयं सहायता समूहों, कॉरपोरेट व निजी संस्थानों से मदद लेकर इस योजना को साकार रूप देना चाहती है। इस अभियान की शुरुआत इसी महीने से हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हर राज्य के खादी विभाग, हैंडलूम विभाग और कॉर्पोरेट जगत के CSR फंड की मदद से सरकार की कोशिश है कि हर घर तक तिरंगा पहुंचे और साथ ही लोगों को ये पता हो कि तिरंगे का कितना महत्व है। एक आजाद देश के लिए, इसकी शान के लिए जाने कितने लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जान कुर्बान कर दी। आपको बता दें कि फिलहाल एक केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भी यह आदेश दिया है कि हर भारतीय नागरिक को तिरंगा फहराने का हक है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय